वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार संभव जैन और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। इस वक्त अगर कोई खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वह है महाराष्ट्र में सरकार बनने की। बीजेपी शिवसेना के बीच खाई इस कदर खिंच चुकी है कि इसके पटने के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात कर नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के किसान की चिट्ठी भी वायरल हुई है, जिसने खुद को सीएम बनाने की मांग की थी। इस बीच सीएम पद को लेकर नए नाम पर चर्चा शुरू हुई है। वह नाम है बॉलीवुड के नायक अनिल कपूर का। दरअसल अनिल कपूर के एक फैन ने उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनाने की मांग कर डाली। ट्विटर पर अनिल कपूर के एक फैन ने लिखा, महाराष्ट्र में जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक अनिल कपूर को ही मुख्यमंत्री बनाकर देख लेते हैं। पर्दे पर उनके एक दिन का कार्यकाल पूरे देश ने देखा और सराहा है। देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे क्या सोच रहे? सोशल मीडिया पर अनिल कपूर को सीएम बनाने का प्रस्ताव क्या रखा गया, उनके नाम के चर्चे शुरू हो गए। आखिर में अनिल खुद सामने आए और उन्होंने कहा, मैं नायक ही ठीक हूं। दरअसल अनिल कपूर रविवार को पुणे में थे, उस दौरान उनसे सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा गया। अनिल कपूर ने जवाब दिया, मैं अपने देश के लिए काम करने वाले हर नेता को पसंद करता हूं, मैं नायक फिल्मों में ही ठीक हूं। बताया जा रहा है अनिल कपूर एक शोरूम का उद्घाटन करने पुणे गए थे। यहां उन्होंने पुणे को लेकर अपना प्रेम भी जाहिर किया। उन्होंने कहा, पुणे मेरे दिल के काफी करीब है, मैंने यहां कई फिल्में की हैं, मैं पुणे में एक घर भी बनाना चाहता हूं। बता दें, अनिल कपूर की फिल्म नायक 2001 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी। एक सीन में वह मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें उन्हें एक दिन का सीएम बनने का मौका मिलता है। इसके बाद वे अपने कार्यों की वजह से भारी बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अब बात महाराष्ट्र में सरकार के हाल की, जहां चुनाव के नतीजे घोषित हुए कई दिन बीत चुके हैं। यहां बीजेपी ने 105, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती हैं। बहुमत में होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। शिवसेना कार्यकाल को 50-50 फॉर्मूले पर बांटना चाहती है, जिसमें सीएम पद पर दोनों दल ढाई ढाई साल रहेंगे। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं शिवसेना अपनी डिमांड से पीछे कदम नहीं हटा रही। इस बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र में नई सियासत का आगाज नजर आने लगा। खैर, महाराष्ट्र में सरकार कब और कैसे बनेगी इसका पता भविष्य में ही चलेगा। लेकिन इस घटनाक्रम से जुड़े वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।